हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ नव वर्ष की, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स, मेरा बालकनी गार्डन पे है। तो न्यू ईयर में आपको अपने जो बालकनी गार्डन का मैं टूर कराऊँगी और जितना हो सके कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, तो टू पार्ट में बनाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरा रोज़ का प्लांट और काफ़ी हेल्दी है। और इसके साथ ही लगा मेरे देसी रोज़ का प्लांट, ये भी काफ़ी हेल्दी। और ये देसी गुलाब है, ये देखिए, और इसके भी काफ़ी अच्छे बर्ड्स आए हुए हैं। और ये देखिए, लेकिन इसके फ्लावर अभी खिले नहीं हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी है। और इनकी जो देखभाल करती हूँ मैं, इनको अभी मैंने इसकी गुड़ाई की थी और फर्टिलाइज़र भी किया है, और हर 15 डेज़ में मैं इनकी गुड़ाई करती हूँ और इनको फर्टिलाइज़र करती हूँ। अलग अलग फर्टिलाइज़र करती हूँ, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उनको उसको भी देती हूँ मैं। तो ये देखिए आप, मेरे तीन रोजेस के प्लांट हैं, ये दो हैं और एक और है, वो भी दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरे जेड प्लांट, तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बुशी हो गया है। ये मैं कहीं से तीन कटिंग में लाई थी, और ये तीनों प्लांट मैंने एक एक कटिंग लगाए थे, लेकिन ये देखिए कितना बुशी हो गया। और इसकी दोबारा कटिंग मैंने नहीं की है, तो अब मैं जब भी इसका सीज़न आएगा मार्च अप्रैल में, तो इसकी कटिंग लगाऊँगी फरवरी मार्च में, और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और इसको थोड़ा शेप में भी इसको लाऊंगी मैं। और फ्रेंड्स, इसको हम लकी प्लांट भी बोलते हैं, तो इसको ज़्यादातर लोग अपने घर के एंट्रेंस पे इसको लगाना अच्छा माना जाता है और लगाते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट और काफ़ी हार्डी प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपको कहीं भी कटिंग मिले तो आप लगा सकते हैं। और उसके साथ है ये जीजी प्लांट, तो आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, जब से लाया मैंने इसी प्लांटर में है, तो इसको भी मैं अब रिपोर्टिंग करूंगी। और ये है मेरा ग्लोनिमा, तो इसको भी रिपोर्ट करना है मैंने, क्योंकि ये जब से लाए हैं इसी प्लांटर में है, मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको रिपोर्ट करने का, तो जब भी करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ है मेरा ये बेबी सन रोजेस का, और ये देखिए इसको तो आज फ्लावर भी आए हुए हैं, और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर आए हुए हैं। और ये भी ये हैंगिंग प्लांट है, तो हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही सुंदर इसकी इसको लगता है ये, और इसकी कटिंग भी मैं लगाऊंगी मैं मार्च में। और उसके बाद है ये मेरे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट, जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये मेरे 3 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, और ये है पैंजी का। तो जो मेरे टेरेस पे लगे हुए हैं, उनमें तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो लेकिन ये बालकनी में जो लगे हुए हैं, उनको उनकी ग्रोथ हो रही है अभी, तो फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई। ये देखिए मेरे ये जेरेनियम का है, और एक ये वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, हेल्दी हो रहा है। और ये है जरबेरा का प्लांट, तो इसको भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी, इसको भी रिपोर्ट इसको अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छा और सुंदर फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहले। और ये है मेरा पिटोनिया का, तो इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है इस गमले में, पूरा ये पूरा इसको इसने गमले को कवर कर लिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो जब भी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लाइक भी कर लीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा मेरे वीडियो को। और ये है मेरे डेंथिस का प्लांट, तो फ्रेंड्स ये वाला प्लांट्स मेरा काफ़ी देर से है, ये 3-4 ईयर से है मेरे गार्डन में बना हुआ, और काफ़ी हार्डी प्लांट है डेंथिस का। हर साल बल्कि हर सीजन में जो फ्लावरिंग करता है, तो सिर्फ गर्मियों में इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, और सालों साल ये आपके साथ रहता है। तो और ये हैं सीजनल फ्लावर, और ये है मेरे क्रिसैंथेमम जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है उनमें से, छोटे छोटे ही हैं, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इनको भी। और उसके साथ एक और है मेरे क्रिसैंथेमम की कटिंग जो लगाई थी, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। और उसके साथ इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इंसेक्ट लगे, ब्लैक वाले जो होते हैं छोटे छोटे, इसको कीड़े लगे हुए हैं,
लेकिन इसको मैं डेली जब शावरिंग करती हूँ, पानी देती हूँ, तो इसको धो के ये साफ़ हो जाते हैं। तो अगर ना हो तो आप किसी भी अच्छे से फंगिसाइड का स्प्रे बना के तो आप कर सकते हैं। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी इसके ऊपर, तो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ मैंने ये लगाई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग, तो जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी भी, और इसको भी रिपोर्टिंग कर दूँगी बाद में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कॉलेज का सुंदर सा प्लांट। और फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर इसका प्लांट होता है। लीव्स देखिए आप कितने सुंदर कलर में हैं, और काफ़ी कलर में आता है कॉलेज का प्लांट। मेरे पास 3 कलर हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी किसी दिन। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर आ रहे हैं वाइट कलर के, इसके छोटे छोटे। और ये देखिए, ये जेरेनियम के 2 प्लांट और मैंने लगाए हैं। ये थोड़ा बड़ा पॉट है, सीमेंटेड पॉट है, तो मैंने इसमें 2 प्लांट लगा दिए थे। तो आई होप इसमें अलग अलग कलर हों तो काफ़ी अच्छे लगेंगे, और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये देखिए आप, तो उसके बाद ये है मेरा मिनी चांदनी का प्लांट। तो अभी ये थोड़ा डोरमेंसी में है, तो फरवरी मार्च में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये भी। और ये है मेरा फिर से गुलाब का प्लांट, ये मिनिएचर मेरा रोज़ का प्लांट है, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं गुच्छों में। तो अभी इसके बर्ड्स आ रहे हैं, एक बर्ड्स मुझे दिखा था, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये देखिए ये वाला बर्ड्स, ये देखिए एक, तो जब भी ये ब्लूम करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको गुच्छों में आता है, पिंक कलर का है। तो उसके बाद है ये प्लांट रही, तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, और इसमें भी बर्ड्स आ रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और हेल्दी हो रहा है ये वाला भी। तो इसके साथ ही लगा हुआ ये मैरीगोल्ड का, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं इसमें भी। तो अभी फ्लावरिंग इसकी होने वाली है, ये देखिए कितने सुंदर इसके बर्ड्स आए हुए हैं। और जो छत पे है उसमें तो अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन ये बालकनी में थोड़ा इसको लेट हो गया। और उसके बाद है ये मेरा देखिए स्पाइडर प्लांट, और ये देखिए इसके रनर्स, तो काफ़ी अच्छे और हेल्दी रनर्स होते हैं इसके भी, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसकी कटिंग भी आराम से आप लगा सकते हो, मैंने लगाई हुई है काफ़ी कटिंग, और सक्सेसफुल भी रहती है, पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए एक ये है, तो ये तो मैंने हैंग किया हुआ है, तो ये छोटे से बॉटल मैंने DIY की थी, कलर की थी, तो ये देखिए कितना सुंदर इसमें हो रहा है ये, और हेल्दी भी हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लगता है जी हैंगिंग प्लांट में भी। और इसके साथ है ये, और ये देखिए वॉन्ड्रिंग जो का प्लांट, तो ये भी काफ़ी अच्छा बुशी हो गया, और हैंगिंग प्लांट में ये बहुत अच्छे लगते हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊँगी। तो ये है कॉलेज का अगेन ब्यूटीफुल लीव्स, और ये है ड्रॉफेटी का एरेका पाम। तो बताइएगा फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आपके लिए खुशियां लाए, और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सभी खुश रहें और हेल्दी रहें, यही कामना करते हैं हम भी। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड ओके, बाय बाय, राम राम, हैप्पी गार्डनिंग, गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।